तो प्रखर को तो अब बिल्कुल सबर नहीं हो रहा, वो एडमिशन फटाफट। न्यू ब्लॉग तो अभी हम हैं, जैसे कि आपको पता है पिछले ब्लॉग में देखा होगा, अभी हम हैं गाजियाबाद में। तो अभी हम जाने वाले हैं गाजियाबाद के काइट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो अभी चलते हैं और देख उसको भी एक बार देख लेते हैं, जब इतनी दूर आई हैं तो दो तीन कॉलेज एक बार देख लेते हैं, फिर हमारे पास तीन चार ऑप्शंस होंगे कि किस में लें। तो चलो लेट्स गो, ऑटो में बैठते हैं और निकलते हैं। तो चलो अभी तो यहाँ पे ऑटो देख रहे हैं, और यहाँ पे पास पे ही जगह है, लाल कुआं नाम से कोई जगह है, तो पहले वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से मिलेगा उसका ऑटो। अरे ये क्रॉसिंग, हमें जाना है दूसरी तरफ, और जो कॉलेज है वो है आर्यनगर के आसपास, तो वहाँ का ऑटो अभी मिल नहीं रहा, तो अभी तो चल रहे हैं, थोड़ा आगे चल के देखते हैं मिलेगा तो। तो जो काइट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो मेरठ रोड पे है, तो पहले हम ऑटो करके मेरठ रोड आ गए हैं, अब यहाँ से चल लेंगे इधर सामने से। तो गाइज ये है प्रतीक ग्रैंड सिटी, देख सकते हो कितने फ्लैट्स हैं इसमें। तो चलो अभी लोकल बस पकड़ के यहाँ तो आगे। तो ये है काइट यूनिवर्सिटी, इसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर चूज कर लेंगे चार पांच में से, पर आज टाइम बहुत लग गया है यहाँ आने में ना। तो ये रहा इन गेट, करते हैं एंट्री और चलते हैं अंदर। इसका ही वहीकल है काइट, अंदर आएंगे तो आपका ये पास बनेगा, इसको लेने के बाद आप अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, पर कुछ पर्पज़ होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए अंदर जाने का। तो हम अभी आए हैं 3:45 पे यहाँ पे, और इस टाइम कॉलेज की छुट्टी का टाइम हो रहा है, तो बसेस वगैरह लगने लग रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है इसका, वाओ। तो चलो अंदर चल के फटाफट भरते हैं इंक्वायरी फॉर्म और पूछते हैं। तो अभी हमको जाना है यहाँ जी ब्लॉक में, तो उधर जा रहे हैं हम। कॉलेज के अंदर ही ऑटो आ गया, अभी हॉस्टल वाले आ जा रहे हैं ना, तो इसलिए ऑटो अंदर घूम रहा है। तो इधर होगा शायद जी ब्लॉक, तो ये टू व्हीलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर, मर्सिडीज बेंज की वर्कशॉप। ये है एडवांस्ड वुड वर्किंग, यहाँ पे सारा लकड़ी का सिखाया जाता है कैसे काम होता है। तो गाइज अब तक जितने भी कॉलेज देखे उसका बड़े के मामले में ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, और ये भी बहुत बड़ी बिल्डिंग इसमें बन रही है। तो प्रखर को तो अब बिल्कुल सबर नहीं हो रहा, वो एडमिशन फटाफट लेना चाहता है। किधर से है? अच्छा तो बी ब्लॉक तो ये रहा, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। ये आ गए हैं ई ब्लॉक पे, पर हमको जाना है जी ब्लॉक पे अभी। तो सामने हमारे है स्काइट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, तो सामने है जी ब्लॉक, और ये है अप्लाइड साइंसेस का, यहीं हमको जाना है। तो इधर ये है, और इधर से हमको जाना था, हमको जाना है एडमिशन के लिए। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रोसीजर फॉलो करना है इनका। ये है काइट मर्चेंडाइज, प्लेस योर ऑर्डर ऑन, इनकी साइट है उस पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इन सब चीज़ का। ये है मीटिंग रूम, चलो तो सर के पीछे चलते हैं बताएंगे। फैकल्टी रूम, कैंपस तो तकड़ा है इसका भी, बहुत ज़्यादा तकड़ा, काइट का तो वैसे नाम है। जी ब्लॉक तो बहुत मस्त है, अभी चलते हैं सीएससी का डिपार्टमेंट घूम के आते हैं। इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं, हमारे पास काउंसलिंग का एक ऑप्शन है, उससे हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो इसलिए हम इसको भी देख रहे हैं एक बार।
तो फिलहाल 4 बज रहे थे, हम थोड़ा लेट थे, तो थोड़ी बात हो पाई मैम से, थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ, फिर हम आ गए बाहर। वो अभी चलते हैं सीएससी का डिपार्टमेंट, थोड़ा देख के आते हैं और थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं कैसा है। सो इधर पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब्स है अंदर। तो इधर है सिविल इंजीनियरिंग का, तो एक कॉलेज भी बहुत अच्छा है। इधर है सिविल इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन आईटी मतलब, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सामने है काइट स्कूल ऑफ फार्मेसी। इधर ये जो कैफेटेरिया है यहाँ का, ये सबसे लेट तक खुलता है कॉलेज में। तो ये है एफ ब्लॉक स्टूडेंट्स क्लब। तो ये है मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव सेल, हर घर तिरंगा अभियान। टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर काइट। इधर है टेंपल और हॉस्टल वालों के लिए और लगभग सबके ही लिए, वैसे तो जब कॉलेज में हो आप तो आ सकते हो। और इधर है ये बैडमिंटन कोर्ट, इधर है ऑडिटोरियम। गाइस ये अब तक का सबसे बड़ा कॉलेज है जो मतलब यहाँ पे हम घूम चुके 2-3 उस हिसाब से, और इसको एक दिन में पूरा नहीं घूमा जा सकता, इतना बड़ा है। ये है अपना लॉन टेनिस का कोर्ट, और ये है क्रिकेट ग्राउंड अपना, और उधर बास्केटबॉल ग्राउंड। और पर जैसा कॉलेज बहुत बड़ा है वैसा ही आप इसमें काउंसलिंग से ज़्यादातर एडमिशन ले सकते हैं, आपको एकदम से नहीं मिल पाएगा, तो काउंसलिंग से लेंगे तो बहुत जल्दी मिलेगा, उस हिसाब से देखते हैं। और मेरे भाई का भी अगर इसमें हुआ तो काउंसलिंग से ही हो पाएगा, बाकी काउंसलिंग का एक ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है अभी, तो उसे भी हफ्ते भी हम कहीं भी ले सकते हैं। तो चलो अब थोड़ा चलते हैं फ्रंट की तरफ और मिलते हैं आपसे। तो ये है यहाँ की पार्किंग, और इधर है फुटबॉल फील्ड। इधर ये वाला जो हॉस्टल है ये है सी वी रमन हॉस्टल, उधर चंद्रगुप्त, और ये है अपना कैफे इधर। भाई प्रखर मैं तो यूँ सोच रहा, इतना बड़ा कॉलेज है और अब भी काम चल ही रहा, मतलब ये देखो अभी पीछे अब भी चल रहा है काम, और बिल्डिंग कितनी बड़ी बनने जा रही है, शायद हॉस्टल ही बन रहा है, नई क्लासेस हैं। तो इसमें घूमते हुए तो हम थक भी गए, और एक उधर तो घूम के भी नहीं आए जबकि तब भी बस हो चुका। ऑटोमोटिव मैकाट्रॉनिक्स काइट एंड BMW इंडिया। तो यहाँ पे मतलब BMW एंड मर्सिडीज की वर्कशॉप का। तो चलो जो भी है अभी चलते हैं, निकलते हैं इधर से काइट से। तो अभी निकलते हैं काइट इंजीनियरिंग कॉलेज से और चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ, फिर अब धीरे धीरे घर भी पहुंचना है। तो यहाँ पे मस्त से सीटिंग एरियाज बनाए हुए हैं, और ये फ्रंट है कॉलेज का। तो चलो अब चलते हैं बाहर, और अब तो और ज़्यादा डाउट में आ गए, जितने कॉलेज घूमते जा रहे हैं उतने अच्छे लगते जा रहे हैं, क्योंकि हर कॉलेज में घूम के कुछ ना कुछ अलग मिलता ही है। और यहाँ पे कॉलेज तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती बड़े के मामले में, और बाकी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है ये, प्लेसमेंट्स भी इसकी बहुत फाड़ू हैं। तो चलो अब एंट्री हटवा के चलते हैं आउट गेट से बाहर। बाय बाय काइट, बाय बाय। तो अब थोड़ा खाने पीने के बाद थोड़ा सुकून मिला है, और क्योंकि सुबह से खाली पेट ही थे। अब ये जो कॉलेज था ये था मुरादनगर में, अब हमको जाना पड़ेगा मोदी नगर। तो अब 6:30 बजे मोदी नगर से ट्रेन है, तो 13 किलोमीटर है यहाँ से, तो फटाफट चलते हैं और बैठते हैं अपनी ट्रेन में। तो चलो फिलहाल जा रहे हैं हम स्टेशन, थोड़ा सा ही रहेगा। तो अभी तो हम मोदी नगर की सड़कों पे घूम रहे हैं, चलो टिकट लेते हैं। फिलहाल हम आ चुके हैं मोदी नगर,
और जो ट्रेन थी वो आधा घंटा लेट हो चुकी है। पूछा तो कह रहा है कि आधा घंटा लेट है, तो अब बैठना पड़ेगा थोड़ी देर बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, इतने ट्रेन आई जाएगी फिर चलते हैं। लो इतने आप रेलवे स्टेशन देख लो मोदी नगर का। चलो ओरियो खाते हैं अभी। तो चलो स्टेशन से बाहर निकलते हैं और ऑटो वगैरह करके सीधे चलते हैं घर। अब बहुत थक भी चुके हैं कहीं बाहर से आने के बाद। अपना सहारनपुर भी बहुत ही अच्छा लगता है।